जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा है अभी ज्योग्राफी और उसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। आठवां एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे भारत की कृषि। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न इससे आएंगे। साथ ही बता दें कि जो पिछले वर्ष NTPC और ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें जो भी मैथ के प्रश्न आए थे उसका एक हम वीडियो लेके आ रहे हैं सीरीज, जिसमें वो सारे मैथ कवर होंगे। तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा यूट्यूब पे अध्ययन केंद्र मैथ, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का, वहाँ से भी आप उसको देख पाओगे। तो अभी हम पढ़ते हैं भारत की कृषि। दिया गया इसमें भारत की कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर और बिना उपयोग की है। इसको समझो, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल कितना है, 287,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसका 51% जो है उस पर कृषि होता है, 4% भाग चारागाह के लिए ग्रेजिंग के लिए यूज होता है, 21% पर फॉरेस्ट है जो कि 33% पे होना चाहिए था, 24% बंजर है बिना उपयोग का है, हो सकता है उस पर घर हो, मीन्स प्लेग्राउंड हो, वो सब होगा, पहाड़ होगा। आगे यहाँ पे दिया गया कि कृषि राज्य का विषय है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि भूमि लैंड जो होता है ना, वो डायरेक्ट समझ लो राज्य का विषय है, चाहे उसमें कृषि हो जाए या फिर कहीं पे कोई मेला लगा हुआ है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है, तो वो सब का जो टैक्स होता है जमा, वो राज्य का विषय है। ये क्लियर हुआ। साथ ही बिहार पुलिस या फिर किसी स्टेट का, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस को छोड़ दें, किसी अन्य हरियाणा पुलिस, वो सब क्या होता है, वो राज्य का विषय है। लेकिन यहाँ पे रुको, रेलवे पुलिस फोर्स जो होता है, रेलवे पुलिस फोर्स, वो किसका विषय है, रेलवे तो सेंट्रल सब्जेक्ट है, तो रेलवे पुलिस फोर्स किसका होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सेंट्रल पुलिस फोर्स, ये जो रेलवे पुलिस फोर्स है, ये आपका स्टेट विषय है, ठीक ना, इस पर थोड़ा ध्यान रखना। चलो आगे भी हम भूगोल पढ़ रहे हैं, पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दिया गया जिसका उल्लेख संविधान के भाग 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में दिया गया है कि कृषि जो है वो राज्य का विषय है। क्लियर। यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग मीन्स नेशनल, यहाँ पे फर्टी फार्मर्स कमीशन ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। समवर्ती सूची क्या होता है कि ऐसा लिस्ट जो राज्य और केंद्र यानी संघ दोनों में होगा उसको कहा जाता है समवर्ती सूची, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब अभी समवर्ती सूची में है। तो 4 अक्टूबर 2006 को जो नेशनल फार्मर्स कमीशन है, मीन्स राष्ट्रीय कृषि आयोग है, उन्होंने कहा कि इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए, लेकिन अभी तक ये राज्य सूची में ही है। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जो अंतरिम मंत्रिमंडल, यहाँ पे समझना होगा अंतरिम मंत्रिमंडल है ये, अंतरिम मंत्रिमंडल का मतलब ये हुआ जब तक मंत्रिमंडल यानी चुनाव नहीं हुआ था उस टाइम जो मंत्री काम कर रहा था वो अंतरिम मंत्रिमंडल कहलाता है। तो उस टाइम में कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ये मंत्रालय बनाया था। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 49%, याद रखो 49% या 48.9 जो भी याद रह जाए आपको, भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधे से अपनी जीविका चलाते हैं। ओके, इसको अगर डायरेक्ट समझो तो टोटल जो हमारे देश की आबादी है, मीन्स लेबर जो है, लेबर फोर्स, उसका 49% जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे आश्रित है। प्राइमरी मतलब आपका हो गया खेती से संबंधित जो भी है, वो उसमें बहुत सारा आता है, मीन्स मत्स्य पालन या फिर कीट पालन, सब कुछ इसी में आता है, यहाँ पे दिया गया सारा, तो वो सब क्या आता है, श्रमिक या कृषि के अंतर्गत ही आता है। 2013-14 ईस्वी में भारत के सकल घरेलू उत्पाद मीन्स GDP में इसका योगदान 13.9% था। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, काफ़ी डीपली हम पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में इसको, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझते हैं। इकोनॉमिक्स में जो GDP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसके सोर्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीन्स उसका इनकम का जो स्रोत है
उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है ना। सबसे अधिक इनकम टर्सरी से है, फिर सेकेंडरी से और फिर प्राइमरी से है। तो प्राइमरी में 13.9%, जो कि प्राइमरी पूरी तरह से कृषि पर आधारित होता है, ओके। और लेबर फोर्स सबसे अधिक इसमें प्राइमरी में ही है, कितना है 49%। कहीं कहीं आपको 54% मिलेगा, पर एग्जाम में जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग टिक करना। यहाँ पे बुक में दिया गया 49%, पर अगर आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव देखो वहाँ 54% है, ओके। तो इसको थोड़ा एग्जाम में थोड़ा ध्यान देना कि कितना प्रतिशत है। आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत क्लोज दे देगा, ऐसा नहीं होगा, 50% के आसपास रहेगा, उस पर टिक करना होगा आपको। यहाँ पे दिया गया भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाली कुल क्षेत्रफल के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। मुख्य खाद्य फसल को इंग्लिश में कहते हैं स्टेपल डाइट, ठीक ना। स्टेपल डाइट ऑफ इंडिया क्या है? चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है, 21.7%। सबसे अधिक चावल कहाँ उत्पन्न है? वेस्ट बंगाल में। गेहूँ सबसे अधिक ये उत्तर प्रदेश में, गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, आलू सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, ओके। यहाँ पे जो कृषि है उसका नाम दिया गया, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर मीन्स फ्लावर, फ्लोरिकल्चर फ्लावर, फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर अंगूर, विटीकल्चर अंगूर। बर्मीकल्चर केचुआ, बर्मीकल्चर केचुआ। पोमोकल्चर फल, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जी, ओलेरीकल्चर सब्जी। हॉर्टिकल्चर ये बागवानी से है, हॉर्टिकल्चर बागवानी। एरोपोल्टिक, एरोपोल्टिक ये हवा से, इंग्लिश इसको एरोपोल्टिक, तो एरो हवा, ठीक ना। हाइड्रो तो मतलब पानी, हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधे को उगाना, ओके। तो ये सारी लिस्ट आप थोड़ा याद रखना, एक बार मैं इसको फिर से दे देता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप लोगों के पास बुक होगा वहाँ से भी आप इसको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ के विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, मतलब चीन क्या है, पहले नंबर पे है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 14% भाग गेहूं की खेती की जाती है। देश में जितना कृषि योग्य भूमि है उसका 14% भाग पे हम लोग क्या करते हैं, गेहूं उत्पादित करते हैं। गेहूं ओनली नॉर्थ इंडिया में होता है, जबकि चावल जो है वो साउथ इंडिया में तो काफ़ी होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी हो जाता है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, गेहूं में उत्तर प्रदेश का स्थान है। यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पे। प्रति हेक्टेयर का मतलब ये हुआ कि एक हेक्टेयर यहाँ भी है, एक हेक्टेयर यहाँ भी है, तब अगर बात करें तो पंजाब टॉप पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अधिक है, इसीलिए गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन प्रति हेक्टेयर डेंसिटी के हिसाब से तब पंजाब आपका टॉप पे आता है। आगे दिया गया है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है। हरित क्रांति जो आया था उसका सबसे अधिक इम्पैक्ट किस पे देखने को मिला? गेहूं और चावल पे। परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई, इसलिए यहाँ पे गेहूं और चावल लिखा गया है, मतलब चावल में अधिक वृद्धि देखने को मिला था कंपेयर टू गेहूं, सॉरी गेहूं में अधिक मिला था कंपेयर टू चावल, ओके। यहाँ पे पहले एक लिस्ट दिया है उसी को हम पहले पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न मतलब चावल गेहूं ये सब, हरित क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध से, दूध से। नीली क्रांति मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक से, भूरी क्रांति उर्वरक। रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा से। रजत मतलब ये चांदी होता है, चांदी। कहीं पर आपको लिखा रहेगा रजत का लेप चढ़ाया गया, मतलब चांदी का लेप चढ़ाया गया। यहाँ पे रजत क्रांति क्या है? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से, पीली क्रांति तिलहन से। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, बायोडीजल। लाल क्रांति टमाटर और मांस से, लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, झींगा मछली उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, देखो पूछा गया सब है पर नए में जो अधिक पूछा जा रहा है ना वो है गुलाबी क्रांति। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना से, नदी जोड़ परियोजना से। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न,
इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। ये जो हरित क्रांति हुआ था उसमें जो गेहूं और चावल का जो किस्म विकसित किया गया था वो कहाँ गया था, मैक्सिको और फिलीपींस में। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी ही मिलेगा और फिलीपींस की राजधानी मनीला, जहाँ पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है IDB उसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 1966 में हुआ था, याद रख लेना। यहाँ पे भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सेंटेंस को नहीं बोलना कि भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय किन्हें जाता है, या फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, एम एस स्वामीनाथन। नाम नहीं बोलना इनका। 1967-68 में ये लाए थे हरित क्रांति। कमेंट बॉक्स में बताना 67-68 ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था। प्रश्न आपसे आया है, मीन्स आएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति आया था, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथ ही मैं इसका महेश कुमार बनवाल का जो NCERT सार संग्रह आता है उसका मैंने शायद पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया है, तो उसका भी बुक का वीडियो देखो, आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी अच्छे से उसमें बना के नोट दिया गया है। आगे हमारा दिया गया, प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ था। तेलहन उत्पादन मिशन या तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में किया गया। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोक्ता में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। उर्वरक मतलब खाद्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में ये विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले पे स्थान पर कौन है, चीन, और दूसरे पे कौन है, अमेरिका। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी खपत का 94% और फॉस्फेटी उर्वरक का 82% उत्पादन करता है। मतलब जितना हम लोग खपत करते हैं उसका 94% उत्पादन करते हैं, मतलब हम लोगों को और क्या करना पड़ेगा, आयात ही करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों के यहाँ काफ़ी मीन्स एक फर्स्ट तो उर्वरक कम होता है और हम लोग उसका यूज़ काफ़ी अधिक करते हैं। ये काफ़ी हमारे देश में गलत इंटेंशन है, इसका परिणाम बहुत भुगतना पड़ता है। जैसे हमारे देश में आम होता है ना मैंगो, वो कहीं पर निर्यात नहीं होता, हमारे देश में ही सर गल के फेंका जाता है। दूसरी जगह निर्यात क्यों नहीं होता, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, इसमें निर्यात नहीं होता, क्योंकि वो लोग ऐसा कहते हैं कि ये खाद्य का बहुत अधिक प्रयोग किया है, उर्वरक का काफ़ी अधिक प्रयोग किया है, हमारे देश के नागरिकों को हार्म करेगा। मीन्स WHO का जो ये डाटा होता है ना, उसको ये कम्पीट नहीं कर पाता है। तो हम लोग काफ़ी उर्वरक वाले खाना खाते हैं, तो इसके कारण भी जो हमारे देश का जो हेल्थ है वो काफ़ी कमजोर है, पिछड़ा है। आगे यहाँ दिया गया, पोटासियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। पोटासियम खाद जो होता है, पोटासियम का फॉर्मूला क्या होता है, उसका उर्वरक मीन्स आयात हम लोग करते हैं। आयात मतलब हुआ दूसरे देश से हम मंगाते हैं, निर्यात मतलब हम वह भेजते हैं। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। देख लो ना, विश्व में पहला है पर हम लोग उसको भेज नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाद काफ़ी अधिक यूज होता है, उर्वरक काफ़ी अधिक यूज होता है, मीन्स प्रदूषण काफ़ी अधिक है, जिसके कारण हम लोग उसको आयात का मीन्स बहुत अधिक निर्यात नहीं कर पाते, करते हैं एशिया के रेंज में ही कर पाते हैं, जहाँ महंगा बिकता है वहाँ नहीं कर पाते हैं। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, पहले स्थान पर कौन है, चीन आता है। फल और सब्जियों में भारत दूसरे स्थान पर खड़ा है, पहले स्थान पर चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है, चीन है। भारत यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है, क्यूरिंग, जिसमें पत्तियों से वांछित रंग, गंध आदि गुण को विकसित किया जाता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता होती है। चाय की पत्ती में क्या होता है, कैफीन और टेनिन पाया जाता है, उसके स्वाद का मेन कारण यही सब है। सबसे पहला खेती हुआ था 1840 में असम में ब्रह्मपुत्र घाटी पर। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है, कहवा सबसे उच्च कोटि का कौन सा, अरेबिका है। कहवा की अन्य दो किस्में हैं, रोबस्ता और लिबेरिका, रोबस्ता और लिबेरिका, पर सबसे अच्छा कौन सा है, अरेबिका। मक्का में वाइट बड एवं धान में खेरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्का में
व्हाइट बर्ड और धान में जो खेरा रोग होता है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से होता है। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में भी किया जाता है। किसका? ऑर्किड्स का। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश आर्किड कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, उधर ही आर्किड्स अधिक किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का स्टेट भी कहा जाता है, इंडिया का, ठीक ना। इंडिया में सबसे पहले सूर्य जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है, साथ ही इसको ऑर्किड स्टेट भी कहा जाता है। जैसे मेघों का सर किसे कहा जाता है? मेघालय को। तो ऑर्किड स्टेट किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शैल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो हम लोग गम कहते हैं, गोंद कहते हैं, उसका सबसे बड़ा भारत उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जिस प्रकार अवरक भारत में पहले स्थान पर और मीन्स आंध्र प्रदेश जो है अवरक उत्पादन में भारत का पहला राज्य है, अग्रणी राज्य है। यहाँ पे कुल फसलों के राज्य के क्रम दिए गए हैं, प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, तृतीय स्थान है ये सब। कुल खाद्यान्न की बात करें तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो गेहूं सबसे अधिक है, गन्ना सबसे अधिक है, आलू सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पे पंजाब आता है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश आता है कुल खाद्यान्न में, ठीक ना। दलहन में पहले मध्य प्रदेश, सोयाबीन में सबसे अधिक, इसलिए सोया स्टेट भी कहा जाता है इसको, सोया स्टेट, मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे पे महाराष्ट्र, दलहन की बात की जा रही है। तेलहन के लिए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मोटा अनाज जिसमें राजस्थान टॉप पे है, फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे अलग अलग फसल दिया गया है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न से डायरेक्ट कम पूछा जाता है पर ये अलग अलग काफ़ी अधिक पूछा जाता है। चावल में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पर उत्तर प्रदेश। पहला दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, तीसरा नहीं भी याद करो चलेगा। चावल में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। गेहूं में उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और मध्य प्रदेश। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। मक्का में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चना मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। अरहर इसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। मसूर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। मूंगफली में गुजरात, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सरसों में राजस्थान, सरसों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सोयाबीन मध्य प्रदेश, सोया स्टेट में कह रहा था, महाराष्ट्र, राजस्थान। सूरजमुखी कर्नाटक, सूरजमुखी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कपास गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जूट के लिए पश्चिम बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। आलू के लिए उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, गन्ना उत्तर प्रदेश, प्याज महाराष्ट्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। प्याज के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कुल उत्पादन का ये 40% करता है, इंडिया के कुल उत्पादन का 40%। अरहर को लाल चना या पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है, अरहर का दाल जो होता है उसको लाल चना या पीजन पी भी कहा जाता है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लंबा रेशा वाला जो कपास होता है वो सबसे अच्छा होता है। ये अमेरिकन कपास देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल उगने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए, बादल पूरा साफ होगा तभी उस पर वो फूल खिलता है। अन्न भंडारण करते समय दोनों की नमी 10% के नीचे होनी चाहिए अथवा कीट प्रकोप का भय रहता है। अगर 10% से कम नहीं रहेगा टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, जो इंसेक्ट लगने का चांस उसमें बढ़ जाता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक पदार्थ है, दलहनी के लिए मिट्टी में कोबाल्ट चाहिए। जरा कमेंट बॉक्स में बताओगे कि किस मिट्टी का निर्माण कोबाल्ट चट्टान से हुआ है, ये बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज था ना वो हमारा, वो मिट्टी के बारे में ही हम लोगों ने पढ़ा था, तो आंसर जरूर देना।
आगे यहाँ की ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रवि की फसल, यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राय, अलसी आदि, ये सब क्या है? रबी फसल। याद करो फिर से, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राय, अलसी, ठीक है ना। ये अक्टूबर से नवंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, में बोया जाएगा और काटा कब जाएगा? मार्च अप्रैल में। मीन्स पूरा ठंडी जो रहेगा वो रबी, ठंडी के टाइम में रबी और गर्मी के टाइम में खरीफ। ओके, यह जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। इसमें मुख्य फसल कौन कौन सा है? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन आदि, ये सब क्या हुआ? खरीफ फसल का उदाहरण है। गर्मा फसल क्या होता है? तो यह मई जून में बोया जाता है और जून जुलाई के लास्ट में काट लेता है, मीन्स जुलाई अगस्त के रात में काट लेगा। इसमें राय, मक्का, ज्वार, जूट और मड़ुआ आता है। यहाँ पे कुछ फसल और उसका जन्म स्थान दिया गया, उसको याद कर लो, मीन्स पहली बार कहाँ पे उसको उपजाया गया था। तो धान, धान का है भारत और इंडोनेशिया के आसपास हुआ था पहली बार। मक्का मध्य अमेरिका, गेहूं मध्य एशिया, तंबाकू दक्षिण अमेरिका में पहली बार हुआ था। रबर में दक्षिण अमेरिका, ब्राजील जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। उड़द का दाल, ये भारत में हुआ था। मसूर, ये चीन में हुआ था। अमरूद अमेरिका में हुआ था। टमाटर मैक्सिको में हुआ था। ये सब वैसे नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत कम पूछेगा ये सब। टमाटर मैक्सिको, बाजरा अफ्रीका, जौ में चीन टॉप पे, मीन्स वहाँ पर इसका जन्म स्थान है। अरहड़ में अफ्रीका, सोयाबीन चीन में हुआ था, मूंग भारत में हुआ था, ज्वार भारत में हुआ था, चाय चीन में हुआ था, कहवा ब्राजील में, आलू पेरू में हुआ था और गन्ना भारत में हुआ था। तो ये था आपका भारत की कृषि। आगे अगर बात करें तो वो दिया एक्सरसाइज भारत की सिंचाई, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखो सेशन अच्छा लग रहा हो तो बार बार बोलते हैं कि लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप ही लोगों के जोश पे हम वीडियो बनाते हैं। आप लोग देखते हो, आप लोग शेयर करते हो, तभी मैं वीडियो कंटिन्यू रख पाता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है बना के, ठीक ना। तो जरूर शेयर कर दिया करो, पसंद आ रहा हो तब, नहीं पसंद आ रहा हो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं शेयर करो, डिसलाइक भी कर दो, पर कारण जरूर बताओ ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।